What's up guys, welcome back to the reaction video. पाकिस्तान ने कर दिया है पर्सनल अटैक ऑन पीएम मोदी, तो उसके वजह से जयशंकर जी ने रिमाइंड करा पाकिस्तान को ऑफ 1971 वॉर लॉस की जिसमें वो हार गए थे. तो देखते हैं क्या है पूरा मामला, क्या कुछ कहा गया पाकिस्तान की तरफ से और फिर जयशंकर सर ने किस तरीके से जवाब दिया. तो उसने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वर्ल्ड अफेयर्स चैनल से प्रशांत धवन सर करेंगे पूरा मामला एक्सप्लेन. और देखते हैं वीडियो, 1 2 3 लेट्स गो. नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स, मैं हूं प्रशांत धवन. नाउ रिसेंटली आपने न्यूज में सुना होगा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने बिल्कुल पर्सनल अटैक किया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पर, और उसके रिस्पांस में हमने देखा इस तरीके से दिल्ली में कई जगह प्रोटेस्ट भी हुए हैं. अच्छा. पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है इंडिया में उसके सामने भी प्रोटेस्ट हुए हैं. नाउ अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिसेंटली हुआ क्या है. ये जो बहुत सारी न्यूज आ रही है कि जयशंकर साहब ने ये कहा, पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया, बेसिकली हुआ क्या है, अचानक से इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये सारी स्टेटमेंट्स एक्सचेंज करी क्यों जा रही है. देखो पहले यहाँ पर जान लो बेसिक्स. आज के समय पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और इंडिया के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर दोनों हैं यूएसए में. यूएसए में यूएन का सेशन, यूएन के कई डिबेट्स हैं, ये अटेंड कर रहे हैं. और इंडिया के लिए यूएसए में जाना वैसे भी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि पहली बात तो इंडिया को G20 समिट के बारे में करने थे डिस्कशन. उसके अलावा इंडिया आज के समय प्रेसिडेंट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, इसलिए आपने देखा होगा कि यूएन की जो वेबसाइट है वहां पे भी लिखा हुआ है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंट December 2022 इंडिया. और जयशंकर साहब जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठे तो यहां पर भी आप देख पाओगे लिखा हुआ है इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ दिस मंथ. तो इंडिया बीइंग ए प्रेसिडेंट, यहाँ पे बातचीत हो रही थी ग्लोबल टेररिज्म के बारे में कि ग्लोबल टेररिज्म से कैसे हम लड़ सकते हैं, भविष्य में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए आतंकवाद से निपटने में. और इस दौरान डॉक्टर जयशंकर साहब ने इनडायरेक्टली मेंशन किया पाकिस्तान और चाइना को. चाइना की आलोचना इसलिए करी क्योंकि चाइना पाकिस्तान बेस्ड जो आतंकवादी संगठन है, जो इंडिविजुअल टेररिस्ट है, उनको काफी बार यूएन में बचाता है. और पाकिस्तान की आलोचना इसलिए करी क्योंकि पाकिस्तान आप सब लोग जानते हैं एक एपिसेंटर, मुख्य केंद्र है आतंकवाद का दुनिया भर में. ऑफ कोर्स इसके रिस्पांस में पाकिस्तान की तरफ से भी ये लोग मेंशन कर रहे थे कि इंडिया आतंकवाद फैला रहा है पाकिस्तान में. ये सब पाकिस्तान ने क्लेम किया यूएन में. ऑफ कोर्स किसी ने वो स्टेटमेंट सीरियसली ली नहीं है. उसके बाद पाकिस्तान ने काफी बार कश्मीर का इशू भी रेज किया, मगर जयशंकर साहब जिस तरीके से डोमिनेट कर रहे थे ना पूरा डिबेट, पाकिस्तान को कुछ प्रॉपर रिप्लाई करने की जगह मिल नहीं रही थी. और एक टाइम ऐसा भी आ गया जब जयशंकर साहब ने दिव्य अस्त्र निकाल दिए. मतलब कि पहली बार मैं देख रहा था जयशंकर साहब ने ओपनली यूएन में मेंशन किया कि ओसामा बिन लादेन अंत में कहां मिला, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी एक टाइम का कहां पर छुपके बैठा हुआ था, पाकिस्तान के अबोटाबाद में. यहां पे आप देख पाओगे ये आइकॉनिक फोटो है, ये वो घर है अबोटाबाद में जहां पर ओसामा बिन लादेन दुनिया से छुपकर, यूएसए से छुपकर रहता था कंफर्टेबली. लोग समझते रहे कि किसी गुफा में होगा अफगानिस्तान में, यूएसए के सोल्जर्स अफगानिस्तान में मर रहे थे बिन लादेन को ढूंढने में, मगर वो छुपा हुआ था पाकिस्तान में. और अंत में एक ऑपरेशन के अंडर यूएसए ने पाकिस्तान को बिना बताए लादेन के घर में अटैक किया और उसको मार डाला. और जयशंकर साहब ने ये बात मेंशन भी करी कि एक ऐसा देश जो ओसामा बिन लादेन को होस्ट कर चुका है और जो नेबरिंग कंट्री है मतलब कि इंडिया, उसके पार्लियामेंट पर अटैक भी ऑर्गेनाइज करवा चुका है. यहाँ पे बात कर रहे हैं 2002 के इंडियन पार्लियामेंट अटैक के बारे में. तो ऐसे कंट्री को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बाकी कंट्रीज को कुछ कहने का हक बनता नहीं है. दैट सर्टेनली अप्लाइज टू स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, नॉर कैन होस्टिंग ओसामा बिन लादेन एंड अटैकिंग अ नेबरिंग पार्लियामेंट सर्व एज क्रेडेंशियल्स टू सर्मनाइज बिफोर दिस काउंसिल. और पाकिस्तान को ये ओसामा बिन लादेन वाली बात हमेशा चुपती है. हाँ, क्योंकि मोस्ट रिसेंटली हमने देखा कि यूएसए में ना पाकिस्तान फिर से कंट्रोवर्सी में आ गया था जब इमरान खान ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कह दिया कि इनके हिसाब से ओसामा बिन लादेन एक शहीद है. एक हुआ जी ओसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके अब्टाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया. उसके बाद क्या हुआ? तो जो ये ओसामा बिन लादेन वाली बात थी ना, उसके बाद कई पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने भी ना क्लेवरली जयशंकर साहब के सामने ऐसा सवाल पूछा कि देखिए आतंकवाद हम भी फैला रहे हैं, मतलब पाकिस्तान भी फैला रहा है, इंडिया भी फैला रहा है, अफगानिस्तान भी फैला रहा है, साउथ एशिया इससे बाहर कैसे निकलेगा. अब इस क्वेश्चन में ऑफकोर्स उस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने क्लेवरली इंडिया में भी आरोप लगा दिया आतंकवाद का. तो इंडिया के विदेश मंत्री ने यहाँ पर भी जवाब दिया कि मुझसे सवाल मत पूछो कि आतंकवाद कब रुकेगा, दूसरा जो देश है पाकिस्तान उसके मंत्री से पूछो कि आतंकवाद वो लोग कब रुकेगा. हाउ लॉन्ग साउथ एशिया इज गोइंग टू सी दिस टेररिज्म डिसेमिनेटिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली काबुल and you know pakistan from new delhi oh. going to be at pakistan to baad mein and on second level how about the un resolution security council resolutions on kashmir ruko jara sabr karo you know
You're asking the wrong minister when you say how long will we do this. Because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. Now, यहाँ तक मैं कहूँगा कि जो भी डिबेट चल रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जहाँ पे काफी बार जर्नलिस्ट भी इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि डिबेट के बाद जर्नलिस्ट भी आए, आप यहाँ पर कह लीजिए ना सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इनके जर्नलिस्ट, इनका वेरियस और जो एजेंट्स है, सब लोग कोशिश कर रहे थे कि एक ओवरऑल जो मीडिया के सामने डिबेट हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का, उसमें पाकिस्तान की ये पोजीशन स्ट्रांग करें। मगर इंडिया इतना इजीली पाकिस्तान को काउंटर कर रहा था कि एक टाइम पे आकर ना पाकिस्तान को पर्सनल अटैक करने पड़े। और इसको लेकर एक कोट है बहुत ही फेमस, एक बहुत ही महान ग्रीक फिलोसोफर थे सोक्रेटिस, हिंदी में हम कहते हैं इनको सुकरात। सोक्रेटिस ने कहा था, व्हेन द डिबेट इज लॉस्ट, जब एक छोटा आदमी हार जाता है, उसके बाद स्लैंडर, मतलब के गाली गलौज करना, अपशब्द इस्तेमाल करना, पर्सनल अटैक करना, ये बन जाता है उसका आखिरी औजार। आपने शायद पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कि एक दो ऐसे लोग देखे हो कहीं पर, जो डिबेट हारने पर या फिर जब उनको लग रहा होता है कि वो डिबेट हार रहे हैं, तो वो स्लैंडर का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। और पाकिस्तान के केस में भी यही हुआ, पाकिस्तान को जब दिख गया ना कि कहीं से भी इनका जो पॉइंट है कहीं से वैलिड हुआ नहीं है, इंडिया ने ओसामा बिन लादेन, हिलरी क्लिंटन की जो स्टेटमेंट थी कि जब तक सांप पालोगे अपने बैकयार्ड में वो तुमको ही डसेंगे, और वेरियस और इश्यूज में पाकिस्तान को इतना घेरा है कि अंत में ना पाकिस्तान के विदेश मंत्री को इस तरीके से अटैक करना पड़ा इंडिया के प्रधानमंत्री को। मैं चाहता हूँ ये जो वीडियो है ये आप देखें। I'd like to remind the honorable foreign minister or the minister for external affairs of India that Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. Butcher of Gujarat. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? The RSS draws its inspiration from Hitler's SS. बहुत ज़रा एक अजीब सा रिप्लाई था, इन्होंने कहा कि ओसामा बिन लादेन तो मर गया, अब मर गया, देखो कैसे मरा, वो आपके देश में छुपा हुआ था, उसको यूएसए ने आपको बिना बताए मारा, दैट इज द मेन इशू। मगर फिर भी ये कहते हैं ओसामा बिन लादेन मर गया, और फिर ये पर्सनल अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं इंडिया के पीएम को, और ये भी कहते हैं कि इंडिया के जो विदेश मंत्री हैं ये भी आरएसएस के हैं। तो हर तरफ से बेसिकली इन्होंने अब पर्सनल अटैक करने स्टार्ट कर दिए, कहीं से अपनी जनता को ये मैसेज सेंड करने के लिए कि इन्होंने इंडिया को टारगेट किया था यूएन में। और देखो इंडिया ना इनके रिस्पॉन्स में बहुत कुछ कह सकता था, हमारे पास भी पर्सनल अटैक करने को बहुत कुछ था, ये तक कह सकते थे के जी आज के समय आप जो विदेश मंत्री पीएम बने हो ये आप अपनी आर्मी की वजह से बने हो, जनरल बाजवा जो करप्ट आर्मी चीफ था $1 billion कमाया करप्शन करके, उसने आप दोनों को बिठाया इमरान खान को रिप्लेस करके, हम आपको मानते ही नहीं, पाकिस्तान का विदेश मंत्री है, पाकिस्तान का पीएम, बहुत कुछ हम कह सकते थे। बट इंडिया ने यहाँ पर एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज मेंटेन करी और ये स्टेटमेंट जारी करी कि पाकिस्तान ने पहली बात तो एक नया लो बना दिया है, एक बहुत ही लो लेवल की कमेंट करी है, और शायद पाकिस्तान भूल चुका है कि आज का दिन 16 दिसंबर 1971 ये वो दिन है जब इंडिया और बांग्लादेश दोनों सेलिब्रेट करती है एज विक्ट्री डे। और विक्ट्री डे में हमने ये देखा कि पाकिस्तान की जो जेनोसाइड थी अगेंस्ट एथनिक बंगालीज और हिंदूज ये फाइनली खत्म हुई। और उसके बाद इंडिया ने यहाँ पर यह भी ऐड किया कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री का जो अनसिविलाइज्ड बिहेवियर है, इसका रीजन यही हो सकता है कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद को अपने देश में कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इनको पता है कि इंडिया बोलेगा कि आतंकवाद कंट्रोल करो, पाकिस्तान खुद कुछ कर नहीं पाएगा उसके बारे में। आगे इंडिया ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से हम लोग मेक इन इंडिया के अंडर कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग, वैसे ही पाकिस्तान आज के समय मेक इन पाकिस्तान टेररिज्म सप्लाई कर रहा है दुनिया भर में। फिर हमने यही मेंशन किया है कि पाकिस्तान में आज के समय 126 यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं और 27 यूएन डेजिग्नेटेड एंटिटीज हैं। दुनिया में कोई देश नहीं है, ना सीरिया, ना ईरान, ना अफगानिस्तान, दुनिया में कोई देश आपको नहीं मिलेगा जहां पर 126 यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी आपको मिलेंगे। और ये आतंकवादी काफी बार खुला घूमते हैं, रैलीज में पार्टिसिपेट करते हैं, सरकार इनके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लेती। और पाकिस्तान ने ना एक लाइन पकड़ी हुई है, काफी बार ये लोग इंडिया में जो रूलिंग गवर्नमेंट है इसको कंपेयर करते हैं हिटलर से, नाजी से, जबकि आप हिटलर का जो मेन जो आप उसका आइकॉनिक पॉइंट है वो आप देखोगे ना, वो ये था कि उसने ज्यूज पर बहुत अत्याचार किए थे, हिटलर ने ज्यूज का जेनोसाइड किया था। तो ये एक ऐसा इशू है जो इंडिया कभी रेस करता नहीं है, जो मेरे हिसाब से रेस हमें करना चाहिए विद इजराइल, क्योंकि पाकिस्तान में आज के समय आप अगर देखो तो जो ज्यूइश कम्युनिटी है वो बची ही नहीं है, बिल्कुल एक या दो ज्यूज बचे हुए हैं। ये टर्की के मीडिया ने खुद रिपोर्ट किया है
कि पाकिस्तानी ज्यू स्ट्रगल टू मेंटेन देयर कम्युनिटी, गिनती का अकेला ज्यू रिसेंटली पाकिस्तान ने बचा था, बताया जा रहा है कि ये भी पाकिस्तान से भाग जाएगा बहुत ही जल्द। और इवन आप अगर पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स देखोगे ना, जो स्कूल में बच्चों को ये किताबें पढ़ाते हैं, उसमें भी आपको हिंदुइज्म के अगेंस्ट नफरत मिलेगी, और इवन ज्यूज के अगेंस्ट बहुत सारे अपशब्द वहां पर यूज किए गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का जो न्यूज आउटलेट है डॉन, इसने खुद रिपोर्ट किया था आज से कई साल पहले 2011 में कि पाकिस्तान स्कूल्स टीच हिंदू हेटरेड, इनकी टेक्स्ट बुक्स में ये सब बातें मिली हैं। और ये बात पाकिस्तानी मीडिया ने तब रिपोर्ट करी जब यूएस गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई थी इस पर, और फिर बाद में ऑफ कोर्स इंडियन मीडिया ने भी ये जो रिपोर्ट्स हैं इवेंचुअली कई सालों बाद कवर करी है कि द फर्स्ट लेसन इन पाकिस्तान स्कूल्स, हिंदूज को ये लोग काफिर कहते हैं, ज्यूज को कहते हैं कि ये एनिमीज हैं। तो इन सब पॉइंट्स के साथ कहीं ना कहीं इंडिया को ये भी बात रेज करनी चाहिए कि हिटलर की आइडियोलॉजी एक्चुअली इन ट्रू सेंस अगर हम देखें तो पाकिस्तान फॉलो कर रहा है। मगर यहाँ पे मुझे ये भी ऐड करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ना जो ये पर्सनल अटैक किए हैं, इसके पीछे एक पॉलिटिकल गेम भी है। 2023 के इलेक्शन आने वाले हैं और पाकिस्तान में देखो पब्लिक का सपोर्ट जीतने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट को इमरान खान ने ये कर करके अपनी जो पॉपुलैरिटी है काफी बढ़ा दी थी। इवन आप अगर देखोगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ है रमीज राजा, ये भी हर हफ्ते इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, क्योंकि इनको पता है कि पाकिस्तानी पब्लिक को सबसे ज्यादा यही बात पसंद आती है। तो जैसे जैसे 2023 के इलेक्शन आएंगे आप देखोगे कि ये तीनों नेता इमरान खान, शहबाज शरीफ, भुट्टो, ये तीनों लोग इंडियन पॉलिटिशियंस, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इंडिया एज ए कंट्री, तीनों को ही करेंगे टारगेट। मगर हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जब पाकिस्तान ऐसी स्टेटमेंट यूएन में दे तब हम कैटेगोरिकली इसका रिस्पॉन्स भी करें। और अगर आप सोच रहे हैं कि इन लोगों के पास और कोई टॉपिक नहीं है, महंगाई ग्रोथ वगैरह नहीं, कुछ नहीं है ना, यहाँ पर जॉब्स है पाकिस्तान में, इन्फ्लेशन के हिसाब से आप अगर देखो तो पाकिस्तान रिसेंटली एंटर कर चुका है 20 वर्स्ट कंट्रीज में, जहाँ पर इन्फ्लेशन आपको सबसे ज्यादा मिलेगी। नंबर वन पे ऑफकोर्स जिम्बाब्वे है, यहाँ पे 269% इन्फ्लेशन। टर्की भी आप अगर देखोगे नंबर 7 पे आपको मिलेगा 85% इन्फ्लेशन के साथ, और पाकिस्तान आपको मिलेगा 19वें स्पॉट पे विद 23.84% इन्फ्लेशन। तो जहां पर इन्फ्लेशन इतनी हाई हो, इन दी एंड ये लोग यही काम करेंगे, दे विल कीप ऑन टारगेटिंग इंडिया टू गेन पॉलिटिकल माइलेज। और फाइनली यहां पर मैं ये समझ गया ना, कुर्सी का चक्कर आओ भैया, अभी भी वही चीज याद आती है कि समझ रहा है जेब में कुछ है नहीं और दुनिया पे राज करना है, राज करना। जब कुछ ये वो होता है जैसे कुछ होता है ना, जब तुम्हें पता है कुछ जवाब नहीं मिल रहे, मुझे सबसे पहले तो एक चीज आप लोग भी एग्री करोगे कि ये आधे ज्यादा ये पूरे पाकिस्तान के जितने मिनिस्टर्स हैं, ये जितने भी नेता है ना, ये कभी भी इनको, क्योंकि रैलीज में कई वीडियोस आई हैं कि जैसे जिनके ऊपर यूएन ने टेररिस्ट घोषित किया हुआ है, रैली इन सब में दिखते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं था। क्यों? क्योंकि पहली बात तो जो सरकार में मिनिस्टर आते हैं उनको ये नहीं पता साल दो साल टिकेंगे, डेढ़ साल में सरकार गिर जानी है, वो कहते हैं एक दो साल की सरकार चलनी है अपनी, वैसी जितनी चलनी चलने दो, उनको वो खौफ है। और पाकिस्तान में आप आए दिन देखते हो कि भैया कोई सेफ नहीं है, सेफ्टी तो बिल्कुल। अभी इमरान खान पे हाल ही में जो हमले हुआ भाई, मतलब कि आप डर वो है, वो सोचते हैं कि भैया कुर्सी मिल जाए चुपचाप से बैठेंगे। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत तगड़ा सपोर्ट रहता है इनका, इनके साथ गठबंधन रहता है, बहुत तगड़े लेवल पे। नहीं, ये चीज तो देख हर कोई अग्री करेगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि लादेन इतने उससे या तो रह रहा किसी गुफा में, वो एक घर में रह रहा था बकायदा अपनी बीवियों के साथ, इंटरनेशनल लेवल पे घोषित किया हुआ है वो वहीं पे। वो तो बहुत ही, मतलब मेरे को बहुत ही चीप स्टेटमेंट लगी जो वो, इसलिए थी जो क्या मतलब हिंदी में था वो, खिसियानी बिल्ली कम्बल में, तू लिखवा ले जवाब नहीं मिल रहा तो कुछ भी। इलेक्शन होने के बाद ये स्टेटमेंट देंगे ही नहीं ऐसी। अभी वो है ना कि अपने लोगों में भाई साहब हम हैं दबंग आदमी, हम देंगे ऐसे भाषण। मैं बताती हूँ मुझे जो स्ट्रेटेजी लगती है ना वहाँ पे टिके रहने के लिए, इंडिया पहली वो इंडिया की बुराई करना, देश में जो रहा है होने दो, बस चुपचाप बैठे रहो। अगर चार लोग बैठे हैं ना, चार लोग बैठे हैं कहीं क्लब में भी या कहीं वहाँ पाकिस्तान, मुझे लगता है अगर चार में से अगर जो सबसे ज्यादा बुराई करता होगा ना वो सबसे अच्छा घोषित होता होगा कि भाई तू है पूरा देशभक्त। और अगर आप देखो ना इंडिया में अगर हम बैठे होते, मतलब हम तो जिक्र भी नहीं करते पाकिस्तान का, नॉर्मली कोई वैसा कोई डिस्कशन नहीं होता। एक रमीज राजा का भी मैंने देखा हुआ है कि वो बीसीसीआई को लेके, इंडिया को लेके पॉइंट, हम भी नहीं खेलेंगे, हम भी नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने। अरे भैया इशू ये है कि इंडिया पाकिस्तान में सबसे पहले इसलिए आता कि प्लेयर्स को रिस्क्यू करे, और हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं है। अब तुम इंडिया आओगे वर्ल्ड कप खेलने, उसमें सेफ्टी को तो तुम्हें वैसे टेंशन नहीं है, ठीक है, एज अ स्पोर्टिंग एक वर्ल्ड इवेंट है उसमें हम वैसे तुम्हें मना नहीं कर, तुम खेल लो उस चीज में आके। लेकिन हमारी जो पूरे वर्ल्ड में सिक्योरिटी थ्रेट जो कंट्री एक तरीके से उस तरीके से जो बना हुआ है कि वहां बोलते हैं टेररिज्म के खिलाफ एक्शन लो लिया नहीं जाता, वहां पर कैसे भेज दे। अभी हाल ही में भी जब इंग्लैंड गई थी अभी भी बताया था कि आस पास कहीं पे बम बम भटक हुए थे। गजब है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना, मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।